ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जेएमएस 2018 में पूछा था, लेट एस इज टी इज द एनी रियल एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एक्स माइनस पाई का मोड इनटू ई की पावर मोड एक्स माइनस वन इनटू साइन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इट टी, तो देन द सेट एस इज इक्वल टू, तो सेट एस है वो क्या क्या इक्वल हो सकता है ये अपने को बताना है। ओके एफ ऑफ एक्स इज गिवन है, एक्स माइनस पाई मॉड इंटू ई की पावर मॉड एक्स माइनस वन इंटू साइन मॉड एक्स। अगर इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात करें तो हम चेक करेंगे एक एक्स बराबर पाई पे डिफरेंशिएबिलिटी एंड एक चेक करेंगे एक्स बराबर जीरो पे, तो दो पॉइंट पर हम चेक करेंगे 8x बराबर 0 एंड पाई पे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक ओके तो चेक करेंगे 0 एंड पाई, तो सबसे पहले 0 पे चेक करेंगे तो एफ डैश 0 प्लस ओके, तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट्स 0 प्लस पे, 0 प्लस पे अगर सबसे पहले इस फंक्शन को ओपन कर देते हैं 4 0 प्लस, 0 प्लस के लिए इस फंक्शन को ओपन कर देंगे हम। ठीक तो 0 प्लस के लिए, 0 प्लस के लिए जैसे एफ ऑफ एक्स की अगर बात करें तो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन आएगा 0 प्लस के लिए हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 के अप्रोक्सीमेट होती है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव के साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू e की पावर x माइनस वन एंड साइन है वो ऐसे कैसे ओपन हो जाएगा। ठीक ओके 0 माइनस के लिए ओपन करेंगे तो भी सिमिलर पाई माइनस एक्स तो ऐसे कैसे रहेगा, ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा माइनस एक्स माइनस वन एंड ये भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा विथ नेगेटिव। ओके दोनों का डैश कर देते हैं, डैश करेंगे एफ डैश 0 प्लस ओके, जब इस फंक्शन का करेंगे बाकी दोनों को ऐसे रखेंगे तो साइन की वजह से पूरा क्या हो जाएगा 0 और यहां से यानी कि पाई इंटू इससे मल्टीप्लाई होने वाला सारा 0 हो जाएगा प्लस, अब e की पावर x का करेंगे तो साइन की वजह से वो भी क्या कर देगा 0, तो पाई माइनस 0 इंटू e की पावर x का e की पावर x और इसकी वजह से कंप्लीट 0 हो जाएगा प्लस, अब साइन का करेंगे कोस। ठीक ओके साइन को जैसे कोस करेंगे पाई माइनस एक्स ऐसे कैसे रखेंगे e की पावर x 0 करेंगे तो 1 माइनस 1 और इसका हो जाएगा कोस 0, तो ये भी हो जाएगा 0, तो ओवरऑल जो पूरा फंक्शन आएगा वो आएगा 0 एफ डैश 0 प्लस इक्वल टू 0, सिमिलर 0 माइनस की बात करते हैं। ठीक ओके 0 माइनस के लिए अगर डैश करेंगे तो सबसे पहले 0 माइनस के लिए जो डैश करेंगे इधर कर लेते हैं 0 माइनस, 0 माइनस के लिए करेंगे इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 साइन 0 कर देगा, दूसरे का करेंगे तो भी साइन 0, जब साइन का करेंगे तो साइन की वजह से ये तो कोस हो जाएगा साइन वाला बट e की पावर x में जब 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 की वजह से ये भी 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके एफ ऑफ 0 पे वैल्यू देखते हैं, एफ ऑफ 0 की अगर बात करें तो एफ ऑफ 0 पे जैसे देखेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू ई की पावर 0 1 माइनस 1 एंड साइन 0 0, यानी कि ओवरऑल ये भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ओके तो 0 तो देखो एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 0 प्लस एंड एफ डैश 0 माइनस तीनों इक्वल हैं। ओके अपने को सॉरी केवल इससे कोई मतलब नहीं, अपने को ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब ये कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है 8x बराबर 0 पे। ओके 0 पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक पाई पे भी चेक करेंगे। ओके तो सिमिलर पाई पे भी चेक कर लेंगे, ये सब नोट कर जाओ, अब पाई पे चेक करेंगे ये सब मिटा दे, तो 0 पे तो डिफरेंशिएबल है, पाई पे भी चेक करते हैं
केवल दो ही पॉइंट हैं जहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, इसके अलावा सारे पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशियबल हैं। एक जीरो पे, तो हमने देखा कि जीरो पे भी डिफरेंशियबल हैं, इसका मतलब हुआ कि पाई जो भी हम चेक करेंगे इसके अलावा सब जगह डिफरेंशियबल हैं। ओके, तो पाई पे देखेंगे डिफरेंशियबल हैं कि नहीं, तो पाई पे इसको चेक कर लेंगे। सिमिलर सबसे पहले इस फंक्शन को ओपन कर देंगे, ओपन से ऐसे करेंगे कि सबसे पहले पाई बाई पाई प्लस के लिए करेंगे, पाई प्लस का मीनिंग हुआ कि पाई से थोड़ा सा ज़्यादा नंबर्स, तो फंक्शन इज यह आ जाएगा पाई प्लस के लिए एक्स माइनस पाई एंड ए की पावर एक्स माइनस वन एंड पाई से ज़्यादा जैसे ही जाएंगे तो ये और जो साइन है जो एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और नेगेटिव साइन दे जाएगा विद नेगेटिव साइन। ओके, पाई माइनस एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन आएगा वो आ जाएगा, ये जो ये है ये सीट पाई माइनस माइनस पाई, तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो गया तो ये वो भी पाई माइनस एक्स। ओके, एंड ये हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस वन, पाई इज एनी पॉजिटिव नंबर सो बॉड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड साइन एक्स, ये सेकेंड में क्वाड्रेंट में लाया करेगा तो ये साइन एक्स ऐसे का ऐसे रहेगा। ओके, डैश करते हैं, डैश पाई प्लस पे बात करते हैं, तो जैसे इसका करेंगे बाकी ऐसे कैसे की वजह से साइन पाई की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो है, ठीक। ओके, सिमिलर इसका क्या, अब सेकंड ई की पावर एक्स माइनस वन का करेंगे तो ये एक्स माइनस एक्स ये सबको जीरो कर देगा और फर्स्ट वो जीरो कर देगा, ठीक, तो आंसर ओवरऑल जीरो आएगा। सिमिलर पाई एस माइनस की बात करते हैं, पाई डैश यहाँ पर डैश करेंगे, सबसे पहले पाई माइनस एक्स का करेंगे और पाई पुट करेंगे तो साइन पाई की वैल्यू जीरो होगी तो सब कुछ मल्टीप्लाई करके जीरो कर देगा, प्लस अब ई की पावर एक्स माइनस वन का करेंगे, बाकी ऐसे कैसे पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई जीरो, साइन पाई ये भी जीरो कर देगा, ठीक। फिर से जब साइन एक्स का करेंगे तो साइन का तो कोस हो जाएगा बट पाई माइनस पाई की वजह से ये जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा, दोनों इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, पाई पे भी क्या साइड डिफरेंशियबल है, इसका मतलब फंक्शन जीरो एंड पाई पे भी डिफरेंशियबल, इसके अलावा तो सब जगह डिफरेंशियबल हो गई, दो ही पॉइंट थे जहां पे हमें चेक करने थे। ओके, इसका मीनिंग है कि फंक्शन इज द डिफरेंशियबल इन आर, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीरो एंड पाई इज द रॉन्ग, पाई एंड एफ टी सेट जीरो इज द रॉन्ग, पाई इज नॉट डिफरेंशियबल, इसने बोला कि कहां डिफरेंशियबल नहीं है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, सब जगह डिफरेंशियबल है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट।